ठीक है भाई, आवाज आ रही है, आ रही है, बड़ी जबरदस्त। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकास सईद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ कौन बैठे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर शख्सियत कबूतर परवरी के एक बेताज बादशाह, कबूतर परवरी में एक मुकाम पे लेके जाने को, कबूतर परवरी को इनका हाथ ना हो ये कैसे हो सकता है। आज माशाल्लाह जी हमारे साथ मौजूद है जी खलीफा नवीद साहब। जी खलीफा साहब कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आज कैसे हैं? ठीक है। हाँ खलीफा साहब आप थोड़ा सा ऊंचा बोलो, अगर कहते हैं तो मैं आपके पास इधर आया तो मैं सामने चले जाता। आप सामने चले, मैं सामने चले जाऊँगा, चले ये ले, मैं ये आ जाता हूँ आपके पास, बाकी साथ मेरी भी जगह है भाई, को साथ थोड़ा सा बीच में कट हो गया बाकी ये। अच्छा खलीफा साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? जी शुक्र अल्लाह की ज़ात का, दुआएं हैं आपकी। अच्छा खलीफा साहब माशाल्लाह से आज जिस हम छत पे मौजूद हैं जी, इसके मुतल्लिक हम थोड़ी सी आपसे पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है? माशाल्लाह से वो जो भाई हैं उनसे तकरीबन मेरे ख्याल 10 मिनट बात हुई है हमारी, और उनकी गुफ्तगू से, उनकी बात से, उनकी पर्सनैलिटी से पता लगता है कि यार माशाल्लाह से बहुत ही, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है और अखलाक उनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। उनकी ना थोड़ी सी ये छत के मुतालिक होती है, वो आप मतलब ना ये छत कब बनी और ये जिनके साथ आपका ताल्लुक है, ये आदत भाई जो उनसे इनके साथ आपका ताल्लुक कितना पुराना है, और ये सारी जो गपशप है ये आप देखा जी, ये चौधरी आरम ठीक है, ठीक है। और ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं जी जी, और बचपन के दोस्त हैं जी, और हम समझ लें ठीक है, ठीक है समझ लें, इकट्ठे पढ़े थे जी जी। नहीं आपको कितनी देर हो गई इनके साथ? उनके साथ मेरे तलक कम 40-45 साल चालीस पैंतालीस साल पुराना इनके साथ ताल्लुक है। अच्छा ठीक है। और माशाल्लाह से आपकी छत में तो मैंने कबूतर देखे ही देखे, नयाब तरीन नस्ल जितनी भी है ना वो आपके पास है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसकी जो बंदा कह रहे थे कि यार मेरे पास ये फलान नस्ल है तो मेरे पास फलान नस्ल है, जितनी भी नस्लें देखी हैं मैंने आपके घर में देखी है, ये क्या चीज़ उसका आइडिया चाहेंगे, और उसी से मिलती जुलती नस्लें भी इनके पास हैं। हाँ जी आपको इधर भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा देखने को। ये आरफ साहब असल में मेरा इधर तक शौक लाने में इसी छत का और आरफ साहब का बना है, बात आ रही है सही के लिए उनके भी अच्छे हो गए थे। सही जी।
اچھا خلیفہ صاحب ماشاء اللہ سے آدھر صاحب جو ان سے ہیں وہ تو ہوتے تھے امریکہ ٹھیک ہے تو جہاں تک میں نے سنا کہ آپ جاتے تھے کبوتر خریدنے تو کون کون سے گھر گئے ہیں کون کون سی جگہ سے آپ نے کبوتر خریدے ہیں اور کتنے کتنے کے کبوتر خریدے کیونکہ جہاں مجھے یاد ہے آپ تو جتنی آپ کی جیب میں اماؤنٹ ہوتی تھی آپ دیکھ کے آ جاتے تھے یہاں تک کہ وہ آپ کا بڑا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کبوتر خریدے تھے وہ کتنے 24 یا 25 لاکھ روپے کے اور آپ نے جی جی اچھا اصل میں یہ جو بھی جتنا بھی پیسہ خرچا ہے نا یہ عارف صاحب کی وجہ سے میں کام اس سے میں جتنا میاں نذیر کے علاوہ میں ہم نے کہیں سے کام کر صحیح ٹھیک ہو گیا میاں نذیر صاحب سے یہ عارف صاحب پیسے بھیج دیتے تھے میں ادھر سے خرید رہا تھا مرضی اپنی کے لاتا تھا میاں نذیر صاحب سے ٹھیک ہے مثلا آپ پسند آپ کرتے تھے ٹھیک ہے تو آپ مثلا عارف بھائی کو بتا رہے تھے کہ یار یہ کبوتر جو ہے وہ خرید لے کے تو آپ نے میکسیمم کتنے کے مثلا پرائز میں خریدے ہیں وہ پیسے آپ صاحب نہیں ہیں لیکن بہت بہت لوگوں کے کبوتا نہیں ہے اس وقت نہیں ہے جب انسان 5000 روپیہ نہیں خرچ اچھا ہم نے بہت بہت پیسہ خرچا مزید جا کے آپ کو آگے بتاتا ہوں سوال کرتے تھے جی جی نہیں وہ میں نے سنا ہے کہ مثلا آپ پاکستانی پیسوں میں نہیں آپ ڈالروں میں خریدتے تھے کبوتر ڈالروں میں یہ آر او صاحب بھی پیسے بھیجتے تھے اچھا تو یہ صحیح ہے بالکل ان کو میاں صاحب کو میں لاتا تھا یہ پیسے آر او صاحب بھیجتے تھے صحیح ٹھیک ہو گیا تو ماشاء اللہ سے یہ ان کی چھت پہ جتنے بھی کبوتر ہیں ماشاء اللہ سے تصویر والے سب سے زیادہ تصویر والے جتنے آپ کو ادھر ملیں گے نا اتنے کم نظر آئے ملیں گے یا آپ کو دبئی میں نظر آئے اچھا تصویر والے کبوتر آپ نے آپ کے پاس پیور جی میں پیور ہے پیور ہے ذرا ایک آدھے کا شو کروائیں ذرا بھائی کیا تصویر والا اور اچھا اپنا خلیفہ صاحب ماشاء اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تقریباً ان کے ساتھ آپ کے ساتھ 40-45 سال پرانا تعلق ہے اور آپ یہاں پہ ادھر سے شو کرتے ہو کتنے سال ہو گئے ادھر سے شو کرتے ہوئے مجھے کوئی 21 سال آپ کو یہاں سے ہو گئے لیکن اس سال میں نے کیا اب میں نے شو کے بعد کر دیا ٹھیک ہے آر او صاحب بھی کھانے زیادہ کھانے جی 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 کیونکہ میرا تو سسٹم میں تھوڑا سا زیادہ چلا گیا آر او صاحب کا اپنا شوق ہے صحیح صحیح جو یہ جو سب سے پہلے ہم نے جو میاں صاحب سے کرتا لے کے آئے تھے نا یہ ان میں ہی ہے یہ سب میاں نذیر والے کرتا لگ جائے ٹھیک یہ وہی ہے ٹھیک ہے یہ جو تصویر والے کبوتر جون سے ہیں یہ وہ ان میں ڈاکو بھی کہہ لیں تصویر والے بھی کہہ لیں اور دوسرے بھی کہہ لیں یہ سب یہی ہے عارف صاحب کو ان کا بڑا جنون ہے یہ تصویر والے کبوتر ہاں جی جی ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں اسد ذرا اس کو کلوز اپ کریے ذرا اس کا اچھا اپنا خلیفہ صاحب جو آپ کبوتر میں دیکھتے ہیں کبوتر کی آنکھ یہ میرے لیے انفارمیشن کے لیے بھی ہے اور جو جن کو نہیں پتا ان کے لیے بھی ہے اس میں کیا چیز دیکھنی چاہیے میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں جی جی یہ قدرتی ایک کبوتر کی آنکھ میں سسٹم ہوتا ہے لیکن آج کل تھوڑا سا جو سسٹم چل پڑا ہے نا وہ رنگ دار آنکھوں پر کرتا ہے کبھی یہ ہوتا نہیں تھا کبھی ایسا کبوتر میں نہیں مانتا کہ یہ رنگ دار اڑے جی جی میں نہیں مانتا کوئی رنگ دار کبوتر یہ جو آج کل سسٹم چلا ہوا نا رنگ دار جی 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 کبوتروں کا آنکھوں کا تصویر والوں میں رنگ ہوتا ہی نہیں تھا تصویر والے کبوتروں کے اندر رنگ ہوتا ہی نہیں تھا تصویر والی جو کبوتری بالکل سمپل صحیح ٹھیک جدھر سے تصویر والی چلی میاں نذیر والے چلے ڈاکو چلے جی جی سب چلے یہ سات آنکھیں کبوتر اچھا اب جو ہے کیونکہ ہماری کبوتر بازی میں تین پروں کو بہت فوکس کیا جاتا ہے آخری تین پروں کو بڑا فوکس کیا جاتا ہے اور آج کل جو چلا ہے رنگ دار زیادہ بالکل کہ جی آنکھ میں رنگ ہونا نا یہ بہت میں نہیں سمجھتا یہ غلط ہے اگر دیکھیں اگر کوئی رنگ دار کبوتر مجھے کہے نا کہ یہ دیکھیں یہ کتنی سمپل آنکھ ہے بالکل ہم جس میں بھی یہ ڈالیں گے نا یہ کبوتر
जिसमें भी डालेंगे जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हमारा डटे इस छत से। कोई लाहौर का ऐसा हमारा अच्छा दोस्त नहीं है जिसके साथ हमने भागिया ना जी जी। अच्छा तो ये नहीं कह सकता कि मैंने इनको फारग किया, मैं ये मैं इनसे कभी जीता हूँ, ये कभी पूछना चाह रहा था कि इस छत से कितनी की छतों के साथ और अड़तालीस छतों के साथ भी शो हुआ। अच्छा उसमें लाहौर की टॉप छतें टॉप तीन छत सही। तो माशाल्लाह से आपने यहाँ से उनसे उनको जीता भी है। जीता भी है हरे भी। अच्छा नहीं ये तो जाहिर बात है खेल का हिस्सा है। हाँ जी तो ये हमारे पास कबूतर जो है ना ये 22-23 साल से। अच्छा ठीक ठीक 22-23 साल से ये आरफ साहब को सिर्फ इनका शौक है। तस्वीर वालों का डाकू जो भी है यही डाकू है यही तस्वीर वाले यही मियां नजीर वाले यही सब कुछ कबूतर ये इनको ये शौक इनका ज्यादा है। हमारे पास ना एक कबूतर होता था घोड़े वाला हम उसको कहते थे उसका ना मैं मियां नजीर साहब से ना एक कबूतर लाया बाबा कहते बाबा बाबा ठीक है। क्योंकि मियां नजीर साहब ने क्या है मुझे कहा कि यार ये जो कबूतर सामने भेजा है ना ये कबूतर बुतर ही डाल है इसका बाप बाबा है तो वो बुत डाल है ठीक है तो बुत डाल है। मैंने कहा मियां जी ये कबूतर मुझे दे दो वो सूखा हुआ था सही। मेरा उस टाइम डॉक्टर फरीद साहब से न्याना तलक बना उन्हें कहा इन्हें बोला कीड़ों की दवाई कीड़ों की दवाई दी उसने बुत डाल दिया और फिर उस कबूतर से हमने बहुत कुछ नस्लें बनाई। ये ज़्यादातर जिसमें भी उसका पर गया है ना वो बहुत अच्छा गया। अब ये देखे थोड़ा सा कबूतर तस्वीर वाला ऊपर से गुलाब से रहा थोड़ा सा ना लाल लाल मियां साहब के पुराने कबूतरों में ये रिंगा लाल आता था ऊपर। अच्छा ठीक जो मियां साहब के पुराने कबूतर जो सालों की पसंदों के साथ की जो ऊपर से लाल लाल थोड़ा सा आता था ठीक है। अब मियां साहब भी बेहतर जानते हैं कि इनमें क्या डालना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बात है उन्होंने चीज बनाई है मियां साहब को पता था कि उनके अंदर क्या डाला है तो मुझे लगता है तस्वीर वालों के अंदर उन्होंने बहुत कुछ डाला है। सही 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 ये भी तस्वीर वाले ही सब तस्वीर वाले। अच्छा अब देखिए अब वो आपने जो पहले दिखाया उसके सर पे थोड़ा सा अपना ब्राउन ब्राउन था आपने दिखाया इसके ऊपर जो सी है वो सारा सही ज्यादा ब्राउन नहीं है ज्यादा ब्राउन कभी कभी इनमें कभी निकलते हैं कभी कभी ब्राउन शेड वाले निकलते। अच्छा सही 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 कभी कभी ना ये हमारे ना इतने शौक है ये समझ ले आरब साहब ने इनको बड़ी तादाद में जमा किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत और बड़ी ही अच्छी मसल समझ लेकर मेंटेन ना कितना काम मेंट ये भी देखते हो ऊपर से करो। बिल्कुल बिल्कुल शेयर दे रहा भी ये वो बाबा जो मियां साहब ने मुझे कहा कि अगर मुझे पता होता ना कि ये कबूतर तुम्हारे पास कबूतर नौसर आ जा बैठ जा कबूतर अगर मुझे पता होता कि ये कबूतर तुम्हारा बुत डालता तुम्हारे पास बुत डालता तो मुझे तो कोठा भी देता ना तो मैंने ये कबूतर नहीं दे रहा। इनका जो बड़ा था अच्छा अच्छा सही सही इनका जो मसल समझ लगे बाप था बाप हाँ सही सही ये हमारे कबूतर जो है ना इनको हम कहते हैं जुआद वाले जुआद वाले जुआद वाले जुआद हमारा दोस्त था लाली अड्डे का वो जुआद समझ जुआद समझ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक मैं मियां नजीर से लेके आया कबूतर। अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल मैं फरीद के लाया तो उसने मेरे पास देखा तो वो डाला। अच्छा उसने 3-4 माह रखे 4-5 बच्चे लिए मुझे वापस कर दिया फिर उसकी वजह से उसका नाम पड़ा। अच्छा सही सही ये वही कबूतर ठीक 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 और ये हमारे ना बहुत पुराने कबूतर है। समझ रहे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना या अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ या चौधरी आरव साहब जानते हैं इसमें हमने कोई चौधरी आरव साहब को इनका अलावा और कोई शौक है ही नहीं। अच्छा ये आरव साहब तो कब से शो हो गए बचपन से इनके पास शुरू से ही अच्छा कबूतर था। अच्छा शुरू से है 9 नंबर है नहीं कापल। अच्छा ये हमने 2 क्रास डाले हुए। अच्छा 2 क्रास डाले हाँ ये खुद बहुत उड़ते हैं ये बहुत उड़ते हैं ठीक है। मैंने बताया मैंने बताया ना कि ये जो कबूतर है ना हमने
इधर से हर छत के साथ शौक हुआ, हरे भी हैं, जीते भी हैं, कोई लाहौर के टॉप तरीन छत नहीं है जिसके साथ मुकाबला ना हुआ। और ये हमारे कबूतर जो है ना जी जी बहुत थोड़े हैं, ये मियाँ साहब के काकू वाले और लाल आम तस्वीर वाले क्रास। हाँ हाँ ठीक हो गया। ये कौन सी है? ये समझ ले कबूतर सबसे पुराने हमारे पास, जिनको मैं टैडी नाग कहता हूँ। टैडी नाग ये हमारे ये आरव साहब के पास शुरू से चले आ रहे हैं। सही। कमर साहब के कबूतर हैं, लेकिन आरव साहब के पास शुरू से, पहले आरव साहब के पास जालदार ही होते थे कबूतर अमेरिका जाने से पहले। ठीक ठीक। उनके पास ये कबूतर होते थे, तो जब वो गए अमेरिका उन्होंने फिर ये मुझे ना ये ज़्यादातर सारे काले जाते, इसमें मियाँ साहब का क्रास। अच्छा। और ये बहुत उठते हैं, अच्छे उठते। सही। ये बहुत अच्छे उठते हैं और ये हमारी बहुत अच्छी होती है, इसका यकीन करें बच्चा हमने डाया खाल नहीं बैठता था कल। अच्छा, इसका रिजल्ट है जो सा माहौल क्लास है ऐसे। खलीफा साहब जिस कबूतर को आप हाल लगाए और वो कामयाब ना हो, नहीं ये तो हम जानते हैं कि अपना बात बताऊं। जी जी जी, मैं आपको बात, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा कबूतर बा, उसके पास 100 जोड़ा हो, ठीक है, सबके बच्चे नहीं उठते। सही है, ऐसे सबके घर में नहीं देते, जाया होते हैं, उसमें खराब भी निकलते हैं, अच्छे भी निकलते हैं। हम लाहौर वालों की एक खूसियत है, लाहौर और खूसियत ये 200-300-500 छोड़ते हैं, 200 रह जाता है, उसमें से हमने 7 सिलेक्ट करने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब ये बात आ गई कि सबसे पहले ये लोग समझते हैं जी वापसी हो, वापसी हो, वापसी हो। तो मैं कहता हूँ कि अगर वापसी होगी तो मियाँ नज़ीर साहब कहते थे कि जिस कबूतर के अंदर जाद मैन है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने ना जब पहले दिन इधर 85 बच्चा छोड़ा, ये दुआ होता था। अच्छा, ये ये होते चौधरी आरफ साहब से ना दरवाज़ा खुल गया तो चौधरी साहब ने सारे बच्चे छोड़े। अच्छा। एक बच्चा सामने बैठ गया, वो जाके 3-4 दिन ना बहुत ख़राब हुआ, फिरा बुरा हर नाइ सफेद जो सिरा सा बच्चा था, उस टाइम मियाँ नज़ीर साहब का इतना नाम है। सही सही सही, ठीक है। वो बच्चा वापस आ गया, हमने उनको खूब उड़ाया। सही। लेकिन वो ना उड़ा, ठीक है। शारफ उसने इतनी दिखाई कि आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक है। बस वो अपने घर की बस 4-5 दिन जो था पंजाबी में कहते रोंदा रहा था, हाँ वो अपना घर ढूंढता रहा, लेकिन दिखना जो नहीं था यहाँ से। हाँ ठीक हो गया, वो आ गया। सही। मुझे आज भी मियाँ नज़ीर साहब की बात याद है कि वो कहते थे कि यार जरा जो कबूतर ज़्यादा सियाना होगा ना वो ज़्यादा उठेगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा, सियाना है वो ज़्यादा है, ज़्यादा उठेगा। सही, ठीक हो गया। सही। अच्छा, माशाल्लाह से खलीफा साहब आप माशाल्लाह से बड़े फेमस उस्ताद हैं, ठीक है। तो ये फेमस होना, मेरी बात सुने। जी 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 जी। फेमस का मतलब का आपको पता है? यही है कि मशहूर होना। फेमस, एक फेमस का दूसरा नाम है बदनामी। वो तो आपके आप देखे ना। मेरे पास जो ना फेमस का दूसरा मतलब है बदनाम। अच्छा अच्छा, सही सही। बेशक ये इसमें अल्लाह की रजा है कि जान पहचान किसी तरीके से भी हो, चाहे अच्छे तरीके से हो, किसी बदनाम तरीके से हो, तरीके से हो, फेमस का दूसरा मतलब है बदनाम। हो गया तो बदनाम ना, हो गया तो नाम ना होगा। पर नहीं, मतलब देखें माशाल्लाह से, एक होता है अच्छे काम में बदनाम होना, एक होता है जी बुरे काम में बदनाम। आप जान रहे हैं, मुझे बात बताता हूँ। जी जी, मैंने ऐसे ऐसे कबूतरबाज मास्टरमाइंड देखे हैं, यकीन करें वो इतने खतरनाक होते हैं ना कबूतरबाज। जी 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 जी, वो कैमरे के सामने नहीं आते कबूतरबाज, जो बाजियां लगाते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही। जो खुद बाजियां जो खुद उड़ाते हैं, उस्तादी करते हैं, वो मैं उनको इतना खतरनाक देखा ना कि जो कैमरे के सामने नहीं आते और पीछे बह के वो तलकीने खा रहे होते हैं, जो सारे मशवरे दे रहे होते हैं, हेड वो होते हैं, बिल्कुल, जो उस्ताद है, बिल्कुल, वो उस्ताद भी है
और उनका एक नाम भी है, आज तक वो कैमरों में भी नहीं आए लेकिन मास्टर माइंड भाई हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मसलन के सामने किसी के कंधे पे बंदूक रखे इतना नहीं लगा साहब हो गया। अच्छा खलीफा साहब माशाल्लाह से अपना आरिफ साहब जो से हैं वो अमेरिका होते हैं, ठीक है, जब बाजी में सीजन आता तो वो क्या वो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं? क्या नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान में, ज़्यादातर पाकिस्तान में मौजूद होते हैं लेकिन वो सब में कम वो तो बेसिकली उनको ये इनका शौक है जुनून। बिल्कुल बिल्कुल वो तो समझ लग गई है कि उड़ाए ना उड़ाए हम उनकी हाँ वो उन्होंने भी माशाल्लाह से जब वो तस्वीर दिखाई ना अपनी वो पुराने दौर की जब मियाँ साहब अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरोज में आराम मुकाम अता फरमाए और मियाँ रऊफ साहब अल्लाह पाक उनको भी मियाँ रऊफ साहब से बात आ गई। हाँ जी हाँ जी मियाँ रऊफ साहब से मुझे बात याद आ गई। जी जी कि मैंने ना मियाँ नज़ीर साहब से एक मिनट यार जरा क्लोजा हूँ छाड़ दे तो मियाँ रऊफ साहब से बात याद आ गई। हाँ जी हाँ जी शुरू शुरू 6 माह बाद मैंने ना एक पुत्र उनसे 40,000 रुपये का दिया शुरू शुरू 40,000 जब लोग 5,000 रुपया भी सोचता था डरते थे उसमें मैर साहब ने भी काफ़ी मैर असगर साहब ने भी काफ़ी पैसा खर्चा किया, मुझे नज़र नहीं आता किसी ने इतना पैसा खर्च किया। सही सही। तो मियां नज़ीर से मैं 40,000 रुपये का कुर्ता ले आया, ठीक है, आरफ साहब ने उनको पैसे पे कर दिए। तो 3-4 माह बाद ना आरफ साहब भी आए, हमने मियां नज़ीर साहब की और यार बात की तहान दे उनका सफर कर लो उधर थल्यो बहा दे जाके अच्छा बोले रह रही है। जी जी। तो मियां नज़ीर साहब की हमने दावत की मियां रऊफ साहब के मियां नज़ीर साहब जी 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 मियां बरादरान बड़े बूढ़ा बहुत अच्छे आप मैं उनका एहसान उनके ये भूल नहीं सकता उनकी बात। सही बिल्कुल जो अच्छी चीज़ें हो वो इंसान नहीं बोल सकता जी वो बहुत अच्छे तीनों भाई मेरे साथ बहुत अच्छे थे। सही सही। मियां नज़ीर साहब मियां रऊफ साहब मियां बहार साहब जी 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 बहुत अच्छे थे। हमने खाना खा रहे थे नीचे से नीचे बैठ के ना आरफ साहब भी थे साथ तो मियां रऊफ साहब ने मुझे 40,000 रुपया निकाल के दिया। अच्छा यार वो जो कुर्ता मियां नज़ीर साहब से लेके आए हो ना वो हमें वापस। डब्बा लाया मार्केट तो जाके ना मियां साहब ने कबूतर दे मियां जी मियां रऊफ साहब ने मैं जी साडे वालों गिफ्ट लै जा मियां साहब ने कहा नहीं हूँ नहीं मिल जाए फिर उन्होंने सानू माती भी दी। अच्छा फिर माती हमें भी हमने इधर जोड़ा लाला का कबूतर था फिर हमने वो जोड़ा लगाया। सही। मियां रऊफ साहब देखे आप ये शायद ग्रुप जो मियां नज़ीर ग्रुप है इनमें ये बुरा भी महसूस करें अच्छा महसूस करें मुझे नहीं पता अल्लाह आलम मैंने भी सब ने हमने अल्लाह के पास जाना जो मैं बात कह रहा हूँ सच्ची कह रहा हूँ जी 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 कि मियां रऊफ साहब के पास जब मैं गया ना लास्ट है उन्होंने कहा ये जितने काले लाल पर एक कुकर है ना जी जी ये वो तुम्हारी दो मातियों में से। अच्छा हाँ ये मियाँ आपको दोनों दी थी हमने दी थी। अच्छा आपने हमारे पास पहले काले स्याह जालदार होते थे ये जो बीच में होगी हाँ, ये अभी मैं आपको ठीक ठीक हमारे पास ना हाँ। ये कबूतर आरफ साहब के पास होते हैं। अच्छा आरफ भाई के पास अमेरिका के कबूतर होते यही होते थे शुरू से इनको यही अच्छा। स्टार्टिंग में उन्होंने ये रखे काले जाकर सही से कमर साहब है हमारे को हाँ ऐसे कबूतर हमारे पास होते थे ये डब वाले है ना जिनमें ज्यादा सलारे होते थे सलारापन लालपन और मियां नज़ीर साहब को हमने दो मातियाँ दी दो मादियाँ इन, 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 इन,
ठीक है। और ये मियां रूह साहब के बकौल कि हमने ज्यादा उनको बढ़ाई है, अल्लाह जानता है, मियां रूह साहब जानता है, जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं वैसे वो आप बात कर ना ही मैं कहता हूँ जी हमारे से बना, क्योंकि हमारा एक अपना शौक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन हमारे पास कमर साहब जो हमारे पुराने दोस्त हैं उनके पास आरफ साहब ले गए, आरफ साहब ने जाते मुझे ये देखे, फिर मैं आरफ साहब ने जब भी आए उनको आधे वापस आधे इधर का भी ऐसे कबूतर ऐसे कबूतर ऐसे थोड़ा सा इसको क्लोजअप दिखाई इसका इसमें सलारे भी होते हैं। अच्छा ये सलारे भी होते थे इसमें से? हाँ इसमें सलारे भी होते हैं। सही। अब मियां ग्रुप को पता होगा ये किधर से आएंगे मियां के बेटे को, हमें नहीं पता है। सही, लेकिन थोड़े दिन पहले मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, मियां रऊफ साहब की बात ही चाहती। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मैंने उनके बेटों को टेलीफोन किया, मियां जी उस्मान भाई को, उस्मान भाई को, भाई को, जी 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 ठीक है, उस्मान साहब की यार देखे मैं वो बच्चे हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे देखे मैं उनको उनकी नज़र मियां रऊफ साहब की नज़र से देख बिल्कुल बिल्कुल मेरी नज़र में उतनी इज्जत है बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा मियां जी की हाल है ठीक है, उन्होंने कहा मियां जी मैं कहा फलाने सुनाओ कप ला के उन्होंने कहा अंकल जी है वे जी जी तो दसो कि चाहिए पट्टी चाहिए पट्टा जो मैं कोई फिर मैं मैंने शौक होया मैं उन्होंने को गया यकीन करो उन्होंने मेरे के पूरा खुटा कर दिता। अच्छा उन्होंने कहा कि यह जोड़िया ने खुटे ने खुटा जोड़िया ने यह नारे उत्ते मार इन्हों चो तुम एक जोड़ा अपनी मर्जी का साढ़े लोग मैं कहना उन्होंने कहा कि साढ़े वाल साहब ने कहा है कि गए सी अच्छा इस बंदे का ख्याल लाजमी रखना है क्योंकि इस बंदे ने फलाने वक्त च असि गल 40,000 वाली भूल गए हुए सर उन्होंने बेटिया याद सी उन्होंने कहा मेरे वालद साहब ने कहा कि इस बंदे ने उस वक्त च भी पैसे खर्चे ने कि जो 5,000 रुपया कोई भी सी और इस बंदे का ख्याल रख यही गल मियाँ नज़ीर साहब ने मियाँ अजीम साहब ने भी कहा कि मियाँ नज़ीर साहब उठे लेटे हुए सी लिया फोन लिता ही तो बेचारे गुरदा वास करवा रहे थे मैं मियाँ नज़ीर मैं नरा च वड़िया होया उन्होंने गोदाम जेडे गोदाम ही कहते ने गोदाम कह लो या वेयर हाउस कह लो असी बहारे सर वेख रहे थे तो मियाँ नज़ीर साहब ने जो मैं बार बेचारे बीमार है गए कहते यार मेरे पास उन्होंने ख्याल रखा उस तो बाद मैं कभी मियाँ जीम साहब आ गया अच्छे बंदे ने क्योंकि मेरे उन्होंने ग्रुप के नाल बाजियाँ उठती सी तो इस वजह तो ना मैं नहीं जा सकता लेकिन मियाँ नज़ीर साहब के मियाँ रऊफ साहब के बच्चों ने बड़ी इज्जत दी बड़ी गल है वैसे मियाँ जीम साहब भी अच्छे ने बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा वो जो रिंगदार जो होते हैं अपने कबूतर जो बच्चे हैं उनके मुतल्लिक जरा कुछ बताएंगे आप? देखो जी जब मैं मियाँ नज़ीर साहब वाल जा रहा सा ना वो तो सिंपल सिंपल अखा के कबूतर होंगे सी जी जी कोई रिंगदार नहीं होंगे नहीं तो जिस तरह आप कहते हैं कि जी नहीं रिंग नहीं है तो कबूतर देखो मैं ना मेरा दोस्त आरफ खंडे सामने नहीं आता बिल्कुल बिल्कुल कबूतर नहीं करता वो आया आया जरा मैं कहेगा ना रिंगदार अखा का जोड़े का इन्ना बच्चा मैं कहना साढ़े दो बागी चा जाओ वो मुताबक असी जोड़े की कीमत खर्च देने साढ़े ना शर्त स्टाम कर लें जरा रिंगदार नर मादी आपस च ला के बच्चा उड़ा दें अच्छा सही चाहे वह हिनो हो किसी रंग च भी हो सियालकोट तो अलावा देखो अच्छे को शुरू तो रिंगदार लगे उन्हें जो लाल अखा च सफेद रिंग बहाते ने सारा कुछ बहाते यह तस्वीर वाले अच्छे डाकुआ च किसी चीज है ही नहीं जो प्योरिटी है वो सिंपल अंगों की मैं तुम दसना सब तो पहले तो असी लाहौर वाले सियालकोट जाते रहे उतो खरीदते रहे ठीक है कसूर वाले कदी कदी जालदार लैसा सी इन्हों का शुरू तो यही दिया है कि कबूतर जड़ा ना वो नस जाता लाल अखा ना कबूतर नस जाता फिर अल्लाह जन्नत बख्शे मियाँ नज़ीर साहब आ गए
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਰੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਸੂਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਰੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਰੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਡਿਆ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਕੁੰਦੋਂ ਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਛ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਕ ਦਾ ਪੱਤੇ, ਕੁਛ ਕੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਜੀ ਜੀ, ਕੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੰਦਰ ਕੋ ਸੀਧਾ ਹੋ ਸਟੇਟ ਹੋ ਡਾਇਕ ਹੋ, ਪਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਚ ਮੇ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਐਂਡ ਪੇ ਆਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, ਬਲੱਡ ਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੈਪ ਜੀ ਜੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹਾਂ, ਅਬ ਕਸੂਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸੁਰਖੀ ਪੋਰਟਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, 6 ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਬਚਤਾ ਕਸੂਰ। ਅੱਛਾ, 3 ਸਾਲ ਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਕਸੂਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਇਹ ਕਾਦਾ ਇਤਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਓਵਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਭਸੇ ਓਵਲ ਪੂਰੇ ਕੱਪ ਮੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਵਿਸਾਖ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਯਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਤ ਕੋਕਰੀ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲ ਸੇ 4 ਸੇ 6 ਨਹੀਂ ਉਨਸੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਏਕਾਦੀ ਕੇ ਕਬੂਤਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬੜੇ ਫਖਰ ਸੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਸੂਰ, ਯੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਹੋਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਖੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਪ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਸੇ, ਇਨਕਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਭ ਨਸਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ 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 ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਵੀ ਲਈਏ ਇੱਧਰ ਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਸੇ ਸੇਲ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੋਕੋ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਉਸੀ ਬਾਤ ਪੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੋ ਰਿੰਗਦਾਰ ਆਖੋ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋ ਜੋੜਾ ਕੋਈ ਹਮੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਨਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪ ਇਨਸੇ ਲੈ ਲੇ, ਮੈਂ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਫ ਪਕੜੂੰਗਾ, ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਜਿਨ ਮੇਂ ਰਿੰਗ ਹੈ ਸਫੈਦ ਹੈ ਸਫੈਦ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਤਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ 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 ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲੋ ਡਬਲ ਲੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਪ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਰਿੰਗ ਬਲੇ ਜੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬੀਅਨ ਜ਼ੀਰ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਂ ਸੇ, ਉਸ ਕੀ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਬੂਤਰ ਮੇਂ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਕੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਰਿੰਗ ਬਲੇ, ਵਾਹੀ ਕੀ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ ਉਨਕੇ ਕਾ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੋ ਜਬ ਸੇ ਆਪ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਨਾ ਯੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾ, ਤਬ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੁਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੇ ਜੋ ਆਪਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ੀਓ ਕਾ, ਇਸਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਯੇ ਆਪ ਕਹਤੇ ਜੀ ਤੋ ਯਾਰ ਕਹੇ ਗਾ ਜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ 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 ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਜੀ 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 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੱਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪ ਦੇਖੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਤੇ ਤੇ, ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਨੂੰਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਪ ਸਿੰਧੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਦਲੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇ, ਬਸ ਆਪ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਾਦਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਆਜ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸੇ ਨਵਾਜ਼ਤਾ ਦੇ,
हमारे तो ये दुआ है आपके लिए, तो हमारे लिए आज भी आप शेर ही और कल भी रहेंगे। तो ये बात भी है कि देखा जी ये आरफ साहब ने ना, आरफ साहब ने मेरा बड़ा अच्छा शो। अच्छा ये अगर आप भी तो स्टेट फॉरवर्ड ही, हाँ वो भी स्टेट फॉरवर्ड है लेकिन वो सामने नहीं आते कबूतर। वो तो मैंने उनसे भी बात यार देखे, वो भी देखे वो नीचे है। प्रीपल साहब वो कहते हैं ना कि किसी के साथ बैठ के दो गपशप कर लो, या किसी इंसान के बारे में कुछ जानना हो, या तो गपशप कर लो या पानी शानी पी लो। तो जितनी देर अभी तक आप बैठे हैं ना उनके पास, माशाल्लाह से उनके साथ जिस तरह वो गपशप की है, जिस तरह की वो मैंने अभी उनकी देखा है, हाँ वो जैसे मैंने उनको देखा है के माशाल्लाह से बड़े ही आजी वाले सिंपल से इंसान, हालांकि जिस वक्त बंदा कहता यार मैं अमेरिका 24 घंटे यार हर टाइम ये तो वो फला नहीं, उसमें नहीं, उसमें वो साल की बड़ी है, वो बड़ा शहजादा। बिल्कुल बिल्कुल शहजादा, हाँ बिल्कुल। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ, कभी आप किसी इंसान से मुतासिर हुए हो? मैं हाँ, मेरे दो शख्सियत ऐसी जो थी, हमारे दो दोस्त हैं। अच्छा, एक अदनान साहब, अदनान साहब वो साहिबाल के रहने वाले थे, मेरे मान्यदार थे, ठीक है, वो कैनेडा चले गए। सही सही सही, तो फिर बहुत मुतासर हुआ मैं बताता हूँ। दूसरे बड़ा सलीम साहब यूएस, एक अदनान साहब, अदनान साहब कैनेडा होते हैं, कैनेडा होते हैं वो, पहले साहिबाल होते थे वो, ठीक है, पहले आप पानी पी। और दूसरा सलीम साहब बलाल सलीम, बलाल सलीम साहब यूएस, यूएई से, सही हो गया। अच्छा इन दोनों से आप मुतासिर मुतासर हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे कबूतरों को बड़ा बरकरार रखा जी जी, और बहुत बेहतर रखा। अदनान साहब ने पहले उसे कुछ कबूतर ले गए इधर से, सही सही, उन्होंने कबूतर बना के मुझे दिखा दिए कि कबूतर वाकई मियां नजीर वाले जमा कर दिए। अच्छा, इस वजह से अच्छे दोस्त से जी जी जी, जब वो कैनेडा गए तो उन्होंने मुझे सब वापस कर दिया। अच्छा, कैनेडा जाने से पहले आपको देखे? पहले मुझे देखे, ठीक हो, वो कैनेडा में ही हो। सही सही, ठीक है, किस तरीके को आ जाए। अच्छा, और दूसरा जो बराल सलीम साहब है उन्होंने बड़ा मुतासर किया। अच्छा, इधर से यकीन करें मैंने दो कबूतर उन्होंने रियासत खैमा से लिए और बकाया इधर से अंडे जाते रहे। सही, दुबई छात्र से, हाँ इन कबूतरों के अंडे। अब उनके पास मेरा 500,000 ऐसा ऐसा मियां नजीर का कबूतर पड़ा हुआ है ना। हाँ, मैंने कहा जी खूब कमाल कर दिया। अच्छा, बलाल सलीम साहब इधर से अंडे लेते रहे इन कबूतरों के, यकीन करे अंडे गए, अंडे गए। अच्छा, उनकी मेहनत, उनकी मेहनत को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, यकीन करे उन्होंने ऐसी मेहनत की है कि मैं बता नहीं सकता। कभी आप बिलाल सलीम साहब की आईडी निकालेंगे, आएंगे। और दूसरा उधर जो तीसरा हमारे बड़े अच्छे दोस्त अब्दुल्ला हातम साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल्ला हातम ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। उनके पास भी बहुत अच्छे कबूतर, उनके खुद अपने अच्छे कबूतर हैं जी 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 जी, बहुत ज़बरदस्त कबूतर है, ऐसे ही है। और ज़्यादा जो कबूतर है बिलाल सलीम साहब ने, लाल आग का कबूतर जो बनाया हुआ था वो तो कमाल कर दिया है, अंडों से ज़्यादा मेहनत, जबरदस्त जी जबरदस्त, माशाल्लाह से अंडों से मसल ब्रीड तैयार ऐसे ऐसे, आगे उसको जोन सा उसको तैयार किए बहुत माशाल्लाह, मेरा 700-800 कबूतर तो उनके पास होगा अंडों से। अच्छा, अंडों से जबरदस्त बहुत। अच्छा खलीफा साहब, एक और आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, कभी किसी उस्ताद ने या किसी ऐसे शख्स ने आपको कबूतर परवरदी के हवाले से कोई ऐसी नसीहत की हो कि यार खलीफा साहब ये तुम्हें नहीं करनी, या तुम एक चीज़ करनी? असल में मैं आपको बात बताऊं जी जी, ये आदमी कहता है ना कि यार असी खलीफा तेन बड़ा समझाया, तू फलाने वक्त चाहे जाया किता, फलाने वक्त चाहे जाया किता जी जी। मैं उन्होंने पहले ही पहले मैं बड़ा सोचना सा, हाँ हाँ मैं सोचना यार जेडे मैनू समझाते सो आप क्यों नहीं समझे। नसीहत हो जो आपके दिल में जगह भी कर गई हो कि हाँ यार ये फला चीज थी कबूतर बाजी में, मैं ये करता तो शायद ये इससे बेहतर हो। कबूतर बाजी के अंदर चंद लड़के बच्चे लल्याणी, लल्याणी को ना देखे, अब हम सब मियां नजीर साहब का नाम या ग्रुप के अंदर भी मैं भी उसमें शामिल हूँ,
हम कबूतर बेच रहे हैं, ठीक है, कबूतर बेच रहे, कबूतर बेच रहे मियां नज़ीर का नाम लेके, ऐसे ही है ना, यकीन करे जो किस्मत मियां नज़ीर की फैमिली में लिखा गया ना पैसा कबूतरों का, वो किसी के दूसरे उनके ग्रुप के अंदर भी नहीं लिखा। मुझे किसी ने पूछा कि यार मियां नज़ीर को तुम वली को कहते हो कबूतरबाज, मैंने कहा उनके भतीजे भांजे के उनका देखकर अल्लाह ने कैसा सर्कट चला दिया कबूतरबाजी का। यकीन करे जिसने कभी बाजी भी नाना लगाई हो, मियां नज़ीर साहब का वो बच्चा भी हो बच्चा बड़ा सारे, यकीन करे कि जो किस्मत में मियां नज़ीर, हालांकि हमारे लाहौर में मसाने हैं जिन्होंने मियां नज़ीर से कबूतर नहीं लिया, वो भी चैम्पियन हुए हैं, चैम्पियन हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक मियां नज़ीर साहब का ब्रांड है कबूतर रखना, हर एक कबूतरबाजी के अंदर एक लालच होती है कि जिसको हम समझते हैं कि यार हमारे पास, क्योंकि मैं पूरा पाकिस्तान यूं ही फिर रहा हूँ, मेरे अंदर भी जैसे मैं समझता हूँ मेरे अंदर सब लालच रही है, ऐसे कबूतरबाज साहब को मैं लालच समझता हूँ, किसी के घर का चाहे वो पिपला का हो सरगोदे का हो गुजरात का हो, मुझे कहीं से भी अच्छा लगा कबूतर मैं ले आया। मियाँ हर कबूतरबाज को यही होता है कि हमारे पास हर घर का कबूतर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने एक चीज़ सुनी है, मियाँ साहब अपना हमारे कहते थे कि उनको कबूतरों का शौक नहीं था, कबूतरों के साथ इश्क था। ऐसे था, ऐसे ऐसे ठीक बात है, इश्क 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 ही तो ले जाता है, हाँ, ये ऐसे ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये हकीकत बात है कि बाकी वो कबूतरों के साथ है। और भी कसूर में देखे मिस्त्री दीन साहब को लास्ट टाइम तक किस्मत था कबूतर, ऐसे ही बड़े बड़े नामल ऐसे उस्ताद हैं जो दुनिया से मसल उखड़ कर चुके हैं, पर आज भी उनकी वो अपना हिस्ट्री खोल लें कि वाकई वो कबूतरों के साथ इश्क ही करते, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते, बच्चों से ज़्यादा प्यार, ये हकीकत बात कि वाकई के समझ लें कि अपनी सारी ज़िंदगी जोड़ती है उन्होंने कबूतरों की इज्जत करती है, कि जिन्हें जो भी ये जीना बनना ना लगा, हकीकत ये चीज़ें देखी है मैंने कि अक्सर बात सुनने को मिलता था यार कबूतर के पीछे बंदे ने बंदे को मारता ये प्लान करता, हालांकि ये चीज़ गलत है जी। हाँ जी जी बिल्कुल, तो ये चीज़ें जो होती है ना इंसान की याद रहती हैं, जो इंसान कबूतरों के साथ प्यार करता है मोहब्बत करता है, बाकी यार ये बच्चों की तरह ही होते हैं इंसान, ऐसे ही है जी ऐसे, मैंने आपको बताया ना सारे अच्छे भी नहीं होते कबूतर, सबके पास कोई भी हो बड़ा खिलाड़ी जो कह रहा है सुपर भी खिलाड़ी है ना, कोई भी ले लें बिल्कुल, उसके सारे अच्छे भी नहीं होते सारे बुरे भी नहीं होते, ये भागना इनका, मियाँ साहब कहते हैं कि इनका भागना फितरत में है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जानना लगता कोई ना। अच्छा अपना अपनी सर कभी किसी ने कहा भाई आया कबूतर कभी मैं गलती देता हूँ ये कभी हुआ? देखो जी मेरी जिंदगी दो कार है सही, इतों तक कि मैं मियां जीन साहब को भी एक जोड़े की गरंटी बन गई तो उन्होंने बच्चों की नहीं बाजी चसी, मैं क्या जी तुम तुम जिन्हें महंगा बेचिया ना उस बाद भी मैं तुम दे दिना, तो तुम मैं गरंटी दे दो कि तीन बच्चों चार दिन। अच्छा लाला यूसुफ साहब भी नाल बैठे ओदी वजह तो शायद ज्यादा तनाव। अच्छा सही 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 ते इन्हें तीन बच्चे बाजी चाल हां उन्होंने ये आप उनको कहा उनको कहा। अच्छा इधर दूसरा जो आपने गारंटी के मुतलक बात की पिछले महीना हमारे बहुत पुराने दोस्त अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मैं उनसे कबूतर कुछ खरीदने गया तो उन्होंने मुझे मैंने लाला का क्योंकि मुझे शुरू से ला गोल्डन पकड़े एक आधा टैडी पकड़ा एक आधा सियालकोटी एक खुटे में नर काले हरे वो और नर मातियाँ लैदा लैदा पड़ी उनमें कुछ बच्चे भी थे, एक बच्चा मैंने कहा चलो इसमें इसमें दे, जब मैंने वो बच्चा उधर से पकड़ा उससे 5,000 रुपया वो ज़्यादा मांगा, मैं जी ये अंदर की नहीं खुश मैं उन्होंने छोड़ दी। अच्छा जवेद मैं उन्होंने छोड़ दी। अच्छा मैं कुछ पैसे मेरे कह लो कि मेरे को रिहा नहीं जाता मशा होता से मैं कुछ लाया उन्होंने वापस दे पैसे देन गया, अगली बार फिर मैं ना वो काले हार
ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਵੀਦ ਔਰ ਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੱਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਵੇਦ ਔਰ ਜੇਲਾ ਮੈਂ ਮੋਦਰੀ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਇਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਨਰਮੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਾੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਸਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਡਿਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਦੋ ਬੱਸ ਆਈ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਮਾਰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਹਰਾ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਦੀ ਦਿਨੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਥ ਬਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਹੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਨੀਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਪ ਜੋਨਸ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲ ਹਰ ਛੱਤ ਤੇ 2-2, 3-3, 4-4 ਮਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁੱਡੇ ਬਗਤ ਬਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਪ ਜੋਨਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਬਤਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਅਪ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੇ 70% ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲੇ 30% ਐਸੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਇੱਧਰ 20,000 ਕਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ਲਾਖ ਕਾ ਵੀ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਹ ਵਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕੇ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਨਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਨਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੂਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਉੱਠਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿਆ ਲੋਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਈ ਜੋ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਤਾ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਕੇ ਲਈ ਉਡਾ ਨਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕਾ ਕਾਮ ਰਹਾ ਵਹੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਵਹੀ ਬਸ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਵਹੀ ਡਾ ਦੇ ਕਾਪੋ ਮੈਂ ਜੋ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਿੰਗਦਾਰ ਰੱਖਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਜ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਆਜ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਸੇਤ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਆਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਜ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਲਾਲਾ ਚੁੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਮਸਲਾ ਸੇ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਪੂਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਨਕੋ ਪੈਸਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਵਾਦਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਸੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂ ਤੋ ਬਸ ਕਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਾਤ ਬਤਾਉਂ ਪੈਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਅਬ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਅਗਰ ਗਵਾਰਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾਈ ਹੈ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਲਹਿਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਬ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੇਚਣੇ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨਾ ਵੇਚਣੇ ਕੀ ਅਬ ਇਹ ਉਹ ਛੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਨਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਔਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੇ ਜੀ ਅਬ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ 70% ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 30% ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਂ 20% ਕਰ ਲਈ 100 ਵਿਸੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ 20 ਹੀ ਲਗਾ ਹਾਂ 20 ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਮੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ
सही सही, ये भाई का अच्छा। खलीफा साहब जितने भी आपने कबूतर दिखाए हैं, जो आपने इनको बना दिया होगा, जो इनकी प्योरिटी कर दी हुई है, ये उसी लाइन में जा रहे हैं, उसी लाइन में, उसमें कोई चेंजिंग कर रहे हैं? जो मर्जी आके दे ले, कोई चेंज इसमें मियां साहब के अलावा कोई, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसके अलावा हरे दिखाए हैं, वो जीता मैट से बिल्कुल 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 बिल्कुल, और ये जो दिखा रहे हैं ये हमने इसमें चौधरी सखी साहब का 88 नंबर अच्छा ठीक है नवीद मीर से लिया, सही ठीक है, कबूतर वो इनका परदादा था ठीक है, ये कबूतर और नवीद मीर के पास, नवीद मीर साहब से मैं टैडी लेके आया, लेकिन नवीद मीर साहब ने भी मेरे पास से लेकर कबूतर बनाए हैं। अच्छा, उनके जो चीते कबूतर हैं गिटकू, जिनको हम गिटकू कहते हैं, वो हमारे कबूतरों में चौधरी के और लाल आँखों के इधर से इस आदम से इसके इस घर से और दूसरे घर से उन्होंने पट्टियाँ पट्टियाँ ले के अपनी मर्जी के, और उनसे पूछ लें कि ये टैडी उड़े हैं या ज़्यादा लाल आँख का क्रास डाल के उड़े हैं। ये कबूतर है हमारे, बहुत सुपर कबूतर है, ये देखें इनका ये रंग, अच्छा ये रंग देखें, ये जो रंग है ये असली हालत है उनकी की, ये वो वाली है, ये मैं आप इसकी माँ ऐसी थी, अच्छा इसके अंदर है 88 नंबर कबूतर, 88 नंबर इनका दादा जो, सही सही, इनका जो दादा था वो 88 था, सही, और ये जो है इसके अंदर मैंने कबूतरी लगाई थी, वो गोजरा से आई थी ठीक है, वो लगाई थी, अच्छा ये रंग बना, अच्छा ये रंग, हाँ लेकिन ना मेरे पास कुछ कबूतर ऐसे हैं नवीद मीर चौधरी सखी बने जो ऐसा भी रंग निकालते हैं, ये हमारे कबूतर उड़ते भी हैं, ये नहीं है कि इनका रंग ऐसा है, ये इधर बहुत उड़ते भी हैं, खुद डाए हैं, अच्छा हाँ ये उड़े हुए, हाँ ये उड़े हुए हैं, सही सही, अच्छा खलीफा साहब इनका जेठ में क्या रंग होगा? सर मैंने कहा ना कोई घर ऐसा नहीं लाहौर का जिसके साथ हमने बालियाँ नहीं लगाई, उनके साथ नहीं, नहीं ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि इनका जो टैनिंग है, हाँ जी वो क्या है, जितना दूसरे का उड़े लाहौर में, अच्छा अच्छा इतने इतने अच्छे, सही सही सही, जितना किसी का उड़ेगा ना उसके मुकाबले के इनका बड़ा बड़ा और दूसरे भाई जो उनसे जी इनके भाई साहब ये आरफ साहब की वजह ये जो हमारा शो करा रहे हैं सब करा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मेहरबानी है, मेरा बड़ा अपना दिल की जो बात है, मेरा बड़ा शौक था कि शायद आरफ साहब भी भाई साहब बैठे थोड़ी सी गपशप हो जाए, पर वो लेकिन नहीं उनको, नहीं उनको मैंने बताया ना कि ये अपना शो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सेटअप माशाल्लाह से जितना प्यारा तुमने बनाया होगा ना, मगर कमाल ये इनका बड़ा जी, इसका जो बाप था वो 88 ठीक ठीक ठीक, वो आगे इसकी पट्टियाँ पड़ गई, अच्छा इसमें से वो निकले, जबरदस्त यार भाई भी अपना चेंज नहीं किया, देख रहे जबरदस्त, और ये उड़ते हैं, जी 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 जी, अच्छा इसका भी आगे से, अच्छा खलीफा साहब माशाल्लाह से मैंने अक्सर कहा था आपने देखा है, कट्ठों में भी देखा है, बाजियों में भी देखा है, वो एक लहरा चीज़ है कि यार कभी कहीं बदमजगी वगैरह पैदा हो जाए तो वो भी लहरा एक इशू है, आप माशाल्लाह से मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, अल्लाह पाक ऐसे ही आपको हंसता मुस्कुराता रहता है, तो ये जैसे छोटे भाई जैसे बिल्कुल 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 खुश रखें, आमिर जी आमिर, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, अच्छा शौक है अगर इसको अच्छा समझ के चलाया जाए, सियासत से हट के, हाँ बिल्कुल 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 किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल कुदराहट से हट के किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। खलीफा साहब हमेशा मैंने एक बात की और आगे भी करता रहूँगा कि देखिए जी ये शौक ऐसा है कि एक तो इससे इंसान का ताल्लुक बनता है, अब अजान होने आसान होने लगी है तो कबूतरों का अंदर से शौक का बात है, तब तक
یا رسول اللہ نہیں دے دے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جی جی آگے آگے اور تمام دیکھنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جونسا جی وہ کبوتر پروری کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن جان سکیں اور مزے مزے کی جونسی آج ہم نے باتیں کی ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکیں جی عثمان علی بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہیں عثمان بھائی بڑے ہی پیارے بھائی ہمارے ساتھ اور استاد شیخ ندیم عالیہ ٹاؤن والے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی بہت ہی سینئر استاد جتنا بھی ان کا تعارف کراؤں کم ہے جی اور بہت ہی انسان اچھے انسان ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نایاب کبوتر جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے ماشاءاللہ سے عارف بھائی کے گھر کے یہ سارے نر نے ہیں سارے نر صحیح 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 ٹھیک ٹھیک
जी नवीर साहब थोड़ा आरव साहब का कुर्ता जी मैंने देखे भी हैं और माशाल्लाह से लोगों को भी दिखाए हैं सारे तस्वीर ने जी 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 ज्यादा तदाद चार साहब ने हां जी जी तो तस्वीर वाले ने जी जी लेकिन मेरे को मियां साहब मियां काफी नस्ला जेडियां कार हुई तो मैं देखी इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे जल्दी हां और आप भी छत पे भी होंगे आरव साहब का शो करवा रहे हैं सरदार साहब की छत का हां हां क्योंकि ਮੇਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਬੂਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕੁਛ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਛੱਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ और बहुत ही कमाल का शौक बल्कि मैं इनका सेटअप भी दिखाता हूँ और नवीद भाई मैं आपका इतना टाइम काफ़ी है और बाकी वो भाई ने भी जी ये आदम भाई की छत का मैं आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ और माशाल्लाह से ये देखे जी जी वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई कैसे हैं आप ठीक हैं जी ये सेटअप ये इर्द गिर्द का व्यू है किनाल रोड के ऊपर जी इनकी छत है एक ये केज बना हुआ है एक ये है और एक ये है जी और देखिए सामने और ये इसकी छत की बैक साइड है और ऊपर लिहाजा आपने मुझे बताना है कि जी आपको आज का जो हमारा सेगमेंट है वो कैसा लगा हमारा प्रोग्राम और आज जो हमने बातें की हैं उस हवाले से आपने हमें आगाही देनी है कि जी हमने और किस तरह बेहतर इसको कर सकते हैं तो लिहाजा दुआओं में याद है किसी का और कोई गलती गुस्ताखी होगी हो तो माजत बाकी इन शाह दोबारा मुलाकात होगी नई छत पर नए उस्ताद के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़